नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में जानेंगे Coin D6 की वेबसाइट के बारे में। A to Z मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं और जो Coin D6 का एप्लीकेशन है वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप नए यूजर नहीं हैं, आप सीख चुके हैं अच्छे से ट्रेडिंग करना, और आप जो Coin D6 एप्लीकेशन है उसमें आपको सिंपली जो लिमिटेड कॉइन्स हैं उनसे आप बोर हो चुके हो, आप और अदर कॉइन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर आप Coin D6 प्रो भी यूज़ करते हो, आप उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली रिव्यू देने वाला हूँ Coin D6 की वेबसाइट का। इस पर आप किस तरीके से जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो करेंगे, किस तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे, किस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, किस तरीके से जो ऑर्डर बुक है वो यूज करेंगे, किस तरीके से कैंसिल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि Coin D6 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद Coin D6 की जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको A to Z पता लग जाएगा। सो आई होप कि आप सभी की वीडियो अच्छा लगेगा। मेक श्योर गाइस, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चाहें तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि जो Coin D6 की वेबसाइट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप Coin D6 की वेबसाइट पे खुद भी आ सकते हैं। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे जो इनकी होम स्क्रीन है वो देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक सा इनका जो इंटरफेस है वो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो कलर है वो। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है प्रो यूजर। क्या आप प्रो यूजर हैं? अगर प्रो यूजर हैं तो लॉगिन कीजिए। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप तो ये करना है कि लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, जो भी कैप्चा आता है वो फिल करेंगे। अगर आपसे बोलता है कि ईमेल आईडी का कोड डालिए तो वो डालिएगा, आपसे बोलेगा कि मोबाइल का कोड डालिए, जो SMS आएगा आपको वो डालिए और लॉगिन हो जाइए। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको जो फर्स्ट लुक है वो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। तब उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलते हैं। देखो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन काम के वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रो जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको जो ट्रेडिंग के ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, लेंडिंग और स्टेकिंग। लैंडिंग और स्टेकिंग के बारे में डीप में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 5 मिनट इन दोनों में ही लग जाएगा डीप में। बट अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो की, या फिर आप सिंपली सबसे बेस्ट रहेगा प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुछ, Coin D6 टीम ने यहाँ पे एक पोर्टल बना रखा है, एक वेबसाइट आप बोल सकते हो Coin D6 लर्न नाम से। यहाँ पे आपको ना बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं जो कि 100% फ्री हैं, आप यहाँ पे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। सो अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो आप सिंपली Coin D6 लर्न पे आके यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं सिंपली वो एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये Binance जो एक्सचेंज है ना उसकी तरह से Binance जो एकेडमी है वहाँ पे आपको लर्निंग के रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, वैसे ही ये Coin D6 लर्न आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो OTC है ये आपका काम का नहीं है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं अधिक तो सिंपली आप इनके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप यहाँ से सपोर्ट सिस्टम पे जाके टिकट क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको डीप में एक्सप्लेन कर रखा है, आप सिंपली प्लेलिस्ट या फिर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे प्रो ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आप अगर PC पे इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो मोबाइल में क्या कीजिएगा, जैसे आपका क्रोम ब्राउजर में ओपन करोगे ना तो यहाँ 3 डॉट आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप रिक्वेस्ट सेट कर लीजिएगा, ऐसा ही खुलेगा आपके सामने। स्पॉट ट्रेडिंग पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सो कुछ इस तरीके की जो विंडो है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे अपने एक डेमो अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे ना, पोर्टफोलियो ये आपका टोटल है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जितना आपके पास रखा हुआ है किसी भी कॉइन में वो आपको यहाँ दिखाई देता है, और टोटल उसका वर्थ जो भी बनेगा ना डॉलर में वो यहाँ दिखाई देगा, चाहे आपके पास वो INR हो या कुछ भी हो, सो यहाँ पे वो टोटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ओपन ऑर्डर है, कोई भी आप ऑर्डर यहाँ पे लगाते हो और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि आपका जो भी ऑर्डर आपने लगाया वो आपको मिलता नहीं है जब तक आपको यहाँ पे जो ओपन ऑर्डर वाला ऑप्शन है यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो ऑर्डर हिस्ट्री अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपने जो भी बाई किया है, सेल किया है, वो A to Z आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पे आपने जितनी भी बाई सेल की होंगी ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। ऑफकोर्स
आपको नहीं दिखने वाली हैं ये, बट मैं आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। जैसे मैं आपको एक ट्रेड मेरा दिखा देता हूँ, जैसे मैंने USDT बाई किया था, सो यहाँ पे देखो बहुत डिटेल में और डीप में लिखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ मैंने कौन सा कॉइन कौन से पेयर में खरीदा था, टाइप मैंने बाई किया सेल किया, क्वांटिटी मात्रा, उसके बाद में मैंने जो पर यूनिट यानी कि पर कॉइन कितने जो प्राइस है उसके हिसाब से लिया है। यहाँ पे आपको जो प्राइस है पर यूनिट वो मिल जाता है, एवरेज प्राइस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। यहाँ पे आपका स्टेटस देखने के लिए मिलेगा कि आपको मिला है या फिर आपने कैंसिल किया है। A to Z यहाँ पे बहुत ही डीप में और साफ सुथरा सा एक्सप्लेनेशन है, मुझे काफी अच्छा लगता है। बस मैं मिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ये डार्क मोड है और एक लाइट मोड भी होता तो मे भी अच्छा लगता, बट जो भी है ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो आई होप कि ये जो नीचे वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर ऊपर आए यहाँ पे, सो यहाँ पे ऊपर से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और यहाँ ऊपर से इन ऑप्शन को यहाँ पे एक बार कवर कर लेता हूँ फटाफट से। ट्रेड पे मैंने क्लिक किया, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है जो बिल्कुल नए यूजर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। आपने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, मानो 200 रुपये का हो गया और वो आपके वॉलेट में पड़ा है स्पॉट वॉलेट में। अगर प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो बेनिफिट है लॉस है वो भी हो रहा है। लेकिन मानो बिटकॉइन का प्राइस गिर गया सडनली, 20 लाख हो गया, 30 लाख पे आपने खरीदा, 20 लाख हो गया, आपको लॉस हो गया। लेकिन वो आपको लॉस नहीं है, आपकी क्वांटिटी सेम है, सिर्फ प्राइस ड्रॉप हुआ है। जैसे मार्केट से आप 1 किलो मान लो अनार खरीद के लेके आए, आप 100 रुपये किलो लेके आए सिंपली 1 किलो, और अगले दिन उसका प्राइस गिर जाता है, तो क्वांटिटी आपके पास सेम है, समझ रहे हो? आपके पास क्वांटिटी सेम है, आपका सिर्फ जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है। तो स्पॉट में क्या होता है कि आपको कोई भी लॉस नहीं होता है। अगर आप उसको होल्ड कर लेते हो तो आपका जो प्राइस है सिंपली वो जैसे ही बढ़ेगा तो जो आपकी क्वांटिटी है ठीक है उस पर जो भी प्राइस आपको मिलना है वो मिल जाएगा। सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो यहाँ पे टोटल जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि स्पॉट में आपको जब तक लॉस नहीं होता है तब तक आप जो आपके पास क्वांटिटी है उसको सेल नहीं कर देते हो। अगर आप होल्डिंग पावर हो, एक होल्डर हो, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, जब मेरी माँ है सिंपली, मैं कोई काम करता हूँ या कभी सुनता नहीं हूँ तो मुझे बोलती है कितना ढीट है ये, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप एक ढीट होल्डर हो कतई, एकदम ऐसे कोई कुछ भी बोले, जो कान होते हैं ना उनमें 2 आंगली दे लेते हो और नहीं सुनते हो किसी भी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जब तक आपका लॉस नहीं है ठीक है। बिटकॉइन आप जब तक सेल नहीं करोगे स्पॉट में आपको तब तक कोई भी लॉस नहीं है। अब समझते हैं मार्जिन को। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं मार्जिन आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, पहले आप सीखिए। मार्जिन का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत ही डीप में एक्सप्लेन कर रखा है। मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास जितना फंड है ना आप उस पर लेवरेज ले सकते हैं 2x 5x, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको और एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है, तो आपका जो फंड है ना उसकी साइज बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे लॉस होने के चांसेस 100% है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक लिक्विडेशन प्राइस रहती है। मानो कि आपने यहाँ पे जो, मैं कॉइन का एग्जांपल दे देता हूँ, चलो आपको बिटकॉइन का ही दे देता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे बिटकॉइन को आप क्या करते हो कि आपको लग रहा है बहुत बुलिश हो, आपकी जो मार्केट है वो अप जाने वाला है और आप लॉन्ग कर देते हो। लॉन्ग का मतलब होता है, जैसे हम, मैं आपको हिंदी भाषा में समझाता हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग मतलब लंबा, हम कहें कि यार ये बहुत लंबा है। शॉर्ट मतलब छोटा, अरे ये कितना सा है, ये तो बहुत छोटा है। लॉन्ग आप जब करते हो जब बिटकॉइन में आप बुलिश होते हो कि यार अब ये बढ़ने वाला है। शॉर्ट आप तब करते हो जब आपको लगता है कि नहीं यार अब तो मार्केट गिरने वाला है, ये तो बहुत बढ़ गया है। उस कंडीशन में आप अगर सिंपली गलत सोच लेते हो कि यार मैं ऐसे करता हूँ लॉन्ग कर देता हूँ, और मार्केट गलत डायरेक्शन में चले जाता है, शॉर्ट मतलब नीचे चले जाता है समझिए, और आपने लॉन्ग किया तो आपकी पोजीशन बिल्कुल डायरेक्शन ही गलत हो जाती है, तो आपको लॉस होगा, समझ रहे हो? लेकिन लॉस जब तक नहीं होगा तब तक आपका जो अमाउंट है सिंपली वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो आपने लेवरेज है वो बहुत ज़्यादा ले रखा है। और जो ये लिक्विडेशन प्राइज है, ये जो लिक्विडेशन प्राइस है, ये प्राइस पे आके आपका पूरा जीरो फंड हो जाएगा, यानी कि एकदम लिक्विडेट हो जाएगा, एकदम जीरो ठीक है। सो आपको हमेशा जब भी ट्रेड करते हो ना इसका ध्यान रखना है, बहुत डीप में समझा रखा है मैंने। इसी तरीके से शॉर्ट काम करता है, आपको लगता है कि मार्केट तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, बिटकॉइन $1,00,000 हो गया, समझ रहे हो? अभी तो वैसे 65,000 चल रहा है। सो सिंपली आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो कि यार 1 लाख हो गया, अब मार्केट गिरेगा, यहाँ से करेक्शन तो लेगा थोड़ा मोड़ा, 10-12% लेगा, तो आप सिंपली वहाँ से क्या करते हो, शॉर्ट करते हो। सिंपल है,
सो आप शॉर्ट करते हो और प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन बढ़ जाता है तो फिर आपको लॉस हो जाता है। बस आपको लिक्विडेशन से बचना है, अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हो। सेम यहाँ पे जो फ्यूचर है वो काम करता है, लॉन्ग शॉर्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इनके पर्सनली वीडियो बना चुका हूँ डीप में, फ्यूचर का नहीं बनाया हूँ, सॉरी। सो इस पर भी बना दूंगा, आप अगर फर्स्ट टाइम फ्यूचर में आएंगे तो आपको यहाँ बताएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, सारी चीज़ें हैं, आप इनको एग्री करेंगे, आई अंडरस्टैंड, तभी ये बाय सेल वाला जो ऑप्शन है ना, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट वाला, ये आपको ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और नए यूजर हैं, फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको अप्लाई करना होगा, 24 से 48 घंटे लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो अर्निंग का ऑप्शन है वो मिल जाता है, लैंडिंग और स्टेकिंग। आप यहाँ पे आपका जो क्रिप्टो है उसको फिक्स डिपॉजिट करके भी पैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम। उसके बाद में अगर आप क्यूक बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्यूक बाई का ऑप्शन है वो भी है। सो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जैसे मानो आप USDT खरीदना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट डालना है INR में कि आप कितना खरीद सकते हैं। मिनिमम 10 रुपये का आपको यहाँ पे अमाउंट है वो परचेज करना होगा USDT में या फिर जो भी अदर कॉइन्स हैं उनमें। यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाता है, यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, बिना KYC के कितना खरीद सकते हैं, A to Z एक्सप्लेनेशन है, चार्ट है। यहाँ से आप अदर कॉइन भी खरीद सकते हैं, काफ़ी बहुत सारे हैं, काफ़ी नहीं बहुत ही सारे हैं यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे USDT को परचेज कर लेता हूँ, सपोज दैट कि मैं 1000 रुपये का यहाँ पे आपको परचेज करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे सिंपल से क्या करना है, बाय USDT पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको टोटली डिटेल्स दिखाएंगी कि आप कितने प्राइस पे क्या बाय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो USDT बाय किया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप अगर देखना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में तो आप डायरेक्टली यहाँ से पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हैं, बट मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो मेरे पास यहाँ दिखा रहा है, कितने USDT हैं वो मेरे पास दिखा रहा है। अगर मैं सेल करना चाहूँ तो सेल भी कर सकता हूँ। आप कहोगे कि यार बाई में और सेल में डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट होगा ही, ऑर्डर बुक तो जो यूजर्स हैं वही डिसाइड करते हैं ना, एक्सचेंज सेल ही करता है। सो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। DCX लर्न को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो इनकी सपोर्ट टीम है उनसे आप जो भी इश्यूज हैं उनको सिंपली रिजोल्व करा सकते हैं, टिकट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बेसिक कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर बुक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी, कि आपने क्या क्या किया है ऑर्डर्स में। सो आप यहाँ पे जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो देख सकते हैं, मार्जिन हिस्ट्री देख सकते हैं, और जो हमने अभी इंस्टेंट बाई किया है वो हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो भी इंस्टेंट बाई सेल करते हो ना वो आपको यहाँ दिखाई देगा, आपने जितने भी बाई सेल किए हैं ना वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। टोटल आप यहाँ हिस्ट्री देख सकते हैं, मेरी यहाँ पे 32 के समथिंग आई थिंक हिस्ट्री ये दिखा रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको हाइड कर रखा है, ऐसे ही आप सिंपली यहाँ से शो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी फंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टोटल पोर्टफोलियो आप देखना चाहते हैं मान लीजिए आपका कितना है, सो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं शो पे क्लिक कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि गरीबी चल रही है, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस वजह से। सो अगर आप जो INR वॉलेट है इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका INR में टोटल पैसा है, आपने डिपॉजिट विड्रॉल जो कुछ भी किया है, एवरीथिंग वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद में डिपॉजिट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन्स है या फिर INR डिपॉजिट है वो कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। INR डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, जो भी पैसा है वो डालेंगे। सेम इसी तरीके से आप किसी भी कॉइन को, जैसे मान लीजिए USDT, या फिर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, मानिए BNB, सो BNB पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिए कि जो इनका एड्रेस है वो आपको कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पे स्पष्टली लिखा है कि BEP220 नहीं है, ध्यान रखना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं वॉलेट हिस्ट्री, यहाँ से आप BTC में आपका जो फंड है उसको देख सकते हैं, USDT और INR, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के रूप में पोर्टफोलियो। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिटकॉइन में तो बिटकॉइन के फॉर्म में दिखाएगा, देन यहाँ पे INR तो INR के फॉर्म में दिखाएगा, जैसा आप देखना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं वो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपकी प्रोफाइल, सिक्योरिटी, रेफरल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फटाफट चलते हैं ट्रेड पे, काफ़ी बड़ा ये वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पेयर्स होंगे ना उनमें यहाँ पे कॉइन्स आ जाएंगे, जैसे 1 इंच less BTC, मतलब 1 इंच को आप BTC के पेयर में खरीदेंगे और बेचेंगे। अगर आपके पास बिटकॉइन नहीं हुआ मान लो, और आप जो 1 इंच है उसको खरीदना चाहते हैं, तो पहले बिटकॉइन आपको खरीदना होगा, क्योंकि आप बिटकॉइन से 1 इंच को खरीदना चाहते हैं। पेयर्स क्या होते हैं, जिस भी कॉइन को आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है,
INR में BTC में वो क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप INR सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी कॉइन आप देखेंगे उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप उसको INR में ही खरीद पाएंगे और INR में ही बेच पाएंगे। अगर आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे और USDT पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे किसी भी कॉइन को बाय करना चाहेंगे तो USDT में ही वो बाय होगा और USDT में ही सेल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। पेयर का मतलब यही होता है कि आदान प्रदान करने में जो आप करेंसी यूज कर रहे हैं वो करेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर बाय करेंगे तो और सेल करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास वो कॉइन होना चाहिए, आप वो जो भी सिंपली USDT बिटकॉइन या जिस भी पेयर में आप सेल करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं कि जो कॉइन्स हैं वो कैसे बाई किए जाते हैं। आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा जो पेयर है उसमें कंफर्टेबल है। देखो सिंपली अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन से जो पेयर है उसमें ट्रेड करता हूँ तो फर्स्ट मेरा रहता है सिंपली USDT और सेकंड रहता है मेरा बिटकॉइन। आप USD या फिर USDT या BUSDT इसमें कन्फ्यूजन ना हो, एक ही बात है। लेकिन मैं बिटकॉइन और USDT पेयर में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ज़्यादातर जो मेरे ट्रेड होते हैं ना वो USDT पेयर में ही होते हैं। मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल USDT में रहता हूँ, INR में नहीं रहता हूँ। सो आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आप कौन से पेयर में सिंपली कंफर्टेबल हैं। जिस भी पेयर में आप कंफर्टेबल हैं उस पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपली USDT या बिटकॉइन के पेयर में ही ट्रेडिंग करें, वो डिसाइड आपके ऊपर करेगा टोटली। ठीक है, अब जान लेते हैं फटाफट से कि फेवरेट कैसे करते हैं। मानो कि आपको कोई भी कॉइन पसंद आ जाता है, जैसे मानो कि यहाँ पे CHZ मुझे अच्छा लगता है सपोज दैट, और मैं इसको बार बार सर्च नहीं करना चाहता, स्टार पे क्लिक करेंगे ये फेवरेट हो जाएगा, यहाँ दिखाई देगा, अनफेवरेट करना है देन इस पे क्लिक करना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए किसी कॉइन को अपन बाय करके और सेल करके समझ लेते हैं कि कैसे बाय और सेल किया जाता है CoinD6 की वेबसाइट से। सो मैं यहाँ पे BTC सर्च कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही सिंपली बिटकॉइन सर्च किया ना तो बिटकॉइन के पेयर आ गए कि बिटकॉइन को मैं कौन सी करेंसी में ट्रेड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जिसमें भी कंफर्टेबल है ना वो सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं INR में चलूँ आप लोगों को बता देता हूँ। सो BTC/INR में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेज होगा रीलोड, यहाँ पे जो चार्ट है सिंपली वो भी चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से जो चार्ट है ना उसमें इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत बड़ा हो जाएगा ये, मैं इसको जितना मर्जी चाहूँ ना उतने दिन में इस चार्ट को देख सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे 5 मिनट में देखना है तो 5 मिनट का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। 5 मिनट में क्या क्या बिटकॉइन में मूवमेंट हुआ है वो सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे आप ऑर्डर बुक को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है ऑर्डर बुक और यहाँ पे है ट्रेड हिस्ट्री। ये टोटल जो बाय सेल हो रहे हैं ना वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो ऑल बिड है वो मेरा फिलहाल सेलेक्ट है। यहाँ पे देखो प्राइस INR, ये वो प्राइस है जिसपे यूजर्स उन्हें बिड लगा रखी है कि हम इस प्राइस पे सिंपली बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। ये यहाँ पे है तो ये जैसे मान लो ये प्राइस है, ठीक है। सो इस प्राइस पे इतना जो क्वांटिटी है ना वो सेल होने के लिए लगा है और जो ये क्वांटिटी का वर्थ बनता है ना वो इतने रुपए का बनता है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये सब कुछ सेम काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है इस पे इतना बिटकॉइन बाय लगा हुआ है और इतना इसका वर्थ बनता है INR में। ध्यान से समझिएगा, INR में आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी मतलब ये मात्रा। अगर आप इसको BTC पेयर में लेके जाएंगे, बिटकॉइन को USDT के फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पे USDT के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी बिटकॉइन की, कितनी यहाँ पे सेलिंग है और कितनी यहाँ पे जो उनकी वैल्यू है USDT में वो बनती है। सेम यहाँ पे बाइंग कि कितना जो बिटकॉइन है वो बाइंग लगा हुआ है, कितना उसका वर्थ बनता है डॉलर में, ठीक है। इसी तरीके से आप जिस जिस पेयर में जाएंगे ना उस पेयर में आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने चेंज कर दिया अभी यहाँ पे BTC/BUSD में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो वापस से हम आ जाते हैं USDT के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये समझ आ गया होगा आपको, ऑर्डर बुक हिस्ट्री ये सब कुछ सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप सभी को। यहाँ पे आप ये टाइम फ्रेम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे और आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी प्रेजेंट का प्राइस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सारी चीज़ें चेंजेस यानी कि प्लस माइनस कितना क्या हुआ है, यहाँ पे हाई कितना गया 24 आवर्स में, लो कितना गया, वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे जो एक्सचेंज बाइनेंस लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वॉलेट बाइनेंस की जो ये ऑर्डर बुक आपको दिख रही है ना ये बाइनेंस की है। आपको यहाँ पे जो स्प्रेड है ट्रेडिंग में वो मक्खन मिलने वाली है, सो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाय सेल कैसे होता है फटाफट जान लेते हैं। बाय BTC पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये सिंपली ओपन हो जाता है। एक आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं घुमाने के लिए शेयर पे। बाय द वे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ठोको, यहाँ तक वीडियो देखा है तो। यहाँ पे देखो बाय का ऑप्शन मिलता है, बाय BTC सेल BTC। अगर आप कोई और कॉइन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ कुछ और लिखा होगा पीछे यहाँ पे, जैसे मानो ट्रॉन करोगे तो बाय ट्रॉन लिखा होगा, TRX लिखा होगा,
यहाँ पे सेल TRX लिखा हुआ। अगर आप ईमेल पे नोटिफिकेशन चाहते हैं आपका बाई सेल का तो इसको टिक करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइस डालना है कि आप कौन से प्राइस में कंफर्टेबल हैं बिटकॉइन को फिलहाल खरीदने के लिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो लगभग $65,600 के समथिंग प्राइस लगा हुआ है फर्स्ट में, अगर देखें तो जो भी बाई करना चाहता है वो। अब आप यहाँ पे आप खुद के हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं कस्टमाइज, चाहे तो मार्केट के प्राइस पे भी खरीद सकते हैं या फिर स्टॉप लिमिट वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं इसमें अभी स्टॉप लिमिट में नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइस डालना है जिस भी प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं। सपोज दैट कि मैं अभी, या ये डॉलर में है, ध्यान रखना ये INR में नहीं है क्योंकि आप USDT के फॉर्म में परचेज कर रहे हो। सो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप भूल जाते हो, कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो यहाँ देख सकते हो कि आपका कौन सा पेयर सेलेक्ट है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे भी दिखा देगा। सो यहाँ पे जैसे मैं प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनमें से कोई भी प्राइस देख लेता हूँ। ओके, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। आप खुद भी डाल सकते हैं कितना क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे जो मिनिमम बाय होता है ना वो $10 का होता है, तो मैंने $10 डाल दिया, प्राइस डाल दिया, कितना मुझे यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलने वाला है वो आ गया। और यहाँ पे जो फीस है वो 0.1% है, जो कि बहुत कम फीस है। सो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा जो $10 है उससे ज़्यादा अमाउंट डालना होगा, क्योंकि 0.1 के समथिंग आपका कुछ फीस भी लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ $11 डाल देता हूँ और यहाँ पे बाय BTC पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट भी हो चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है ना वो ड्रॉप हो गया है एकदम से। सो यहाँ पे आपको आपका जो बिटकॉइन अमाउंट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और टोटल आपका जो USDT में वर्थ बनेगा आपके बिटकॉइन का वो आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे जो ऑर्डर हिस्ट्री है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो बिटकॉइन बाई किया उसका ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखाएगा, कितना बिटकॉइन मिला है और आपने कौन से प्राइस पे बाई किया, अमाउंट सब कुछ यहाँ पे आपको A to Z जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब मान लीजिए आप बिटकॉइन को सेल करना चाहते हैं तो सिंपल सा काम करना है आपको, यहाँ पे सेल BTC पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल BTC पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो बिटकॉइन का सेल ऑप्शन है वो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बाई पे भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको प्राइस डालना है, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया जिस भी प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूँ, सपोज दैट। उसके बाद में मैं कितना बेचना चाहता हूँ वो क्वांटिटी मुझे यहाँ पे डालना होगा। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल क्वांटिटी अगर मैं उसको बेचना चाहता हूँ तो लगभग मुझे यहाँ पे $13 मिलने वाले हैं फिलहाल, अगर मैं इस प्राइस पे इसको सेल करता हूँ तो। अगर मैं चाहूँ तो मार्केट प्राइस पे भी इसको सेल कर सकता हूँ, मुझे लगभग इतना यहाँ पे बिटकॉइन मिलेगा मार्केट प्राइस पे। मार्केट पे मैंने सेलेक्ट रखा सेल BTC और यहाँ पे सक्सेसफुली जो मेरा मार्केट पे है वो सेल आउट हो चुका है, ठीक है। अगर आपका सेल आप लिमिट में सेलेक्ट करते हो और आपका सेल आउट नहीं होता है तो आपको सिंपली यहाँ पे जो ओपन ऑर्डर है उसमें दिखाएगा। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ वापस से, बाय BTC पे मैं क्लिक करता हूँ और लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एक कोई भी ऐसा लिमिट ऑर्डर जो फट से यहाँ पे जो फील है वो नहीं हो जाए। सो मैं यहाँ पे ये अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। मैंने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे $15 का सिंपली सपोज दैट की बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने 100% डाल दिया बाय BTC और यहाँ पे जैसे ही मैंने ये ऑर्डर यहाँ पे लगाया, सो मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा। आप इसको चाहें तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्फर्म करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो भी अमाउंट है वो आपको वापस से USDT का जो फॉर्म है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप CoinDCX में किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ऑर्डर बुक चेक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए, मुस्कराते रहिए।